चलिए, आज हम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, एक एसी स्पीड एसी में गैस चार्ज करेंगे। तो गैस चार्ज करने के पहले हम लोग का क्या क्या करना पड़ता है? पहले प्रेशर चढ़ाना पड़ता है सर, फिर प्रेशर चढ़ा के लीकेज चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर लीकेज है। अगर लीकेज है तो उसको वेल्डिंग करके उसको ठीक किया जाएगा। उसके बाद प्रेशर को निकाल कर फिर वैक्यूम किया जाएगा सर। फिर वैक्यूम करने के बाद फिर गैस चार्ज होगा सर। अच्छा, गैस चार्ज कीजिएगा। जी सर। तो गैस चार्ज करने के लिए हम लोग कौन कौन सा मीटर का जरूरत पड़ेगा? कंपाउंड मीटर, हाँ, एक कंपाउंड गेज, और उसके बाद R22, अगर R22 है तो R22, R32 है तो R32। ठीक है, यानी जो गैस हम लोग एसी में है वो गैस आपको डालना पड़ेगा, समझे? तो सबसे पहले हम लोग एक बार गैस को खोलेंगे। जी सर। उसको खोल दिए, बल्ब को? बल्ब को खोलिए, खोलिए, पूरा खोल के रखिए उसको। अब हम लोग कंट्रोल कहाँ से करेंगे? यहाँ से कंट्रोल करेंगे, यस चार्जिंग से करेंगे। हाँ, दो दो, एक आप दो बार खोलिएगा, फिर उसको दीजिएगा, फिर इसको दीजिएगा, ऐसे करना है, ठीक है? एक बार खोल के इसको ऑन नहीं रखना है, तुरंत ऑन करने फिर ऑफ करना है, ठीक है? एक बार आप ऑन कीजिए, बस बस बंद कर दीजिए, पूरा बंद कर दिया। जी सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर को चालू करेंगे। जी सर। एक बार हम लोग देने के बाद कंप्रेसर को चालू करेंगे, करेंगे। अभी देखिए सुई जो है ना वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग फिर से चार्ज करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। ये काम आपको 5 बार 6 बार 7 बार करना है, एक बार में नहीं, सब गैस चार्ज कर देना है, ठीक है? एक बार क्या करना, टाइट करना और तुरंत बंद कर देना, ठीक है? तुरंत बंद कीजिएगा, बस बंद कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए। चलिए एक बार खोलिए, बस उसको पहले बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद दीजिए। बस बस बस, चलिए एक बार खोलिए, खोलिए, बस बस, चलिए खोलिए आप। बस बंद कीजिए, फिर खोलिए, कम करके खोलिए, ठीक है? एक बार खोलिए उल्टा, हाँ ऐसा खोलिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बस बस। एक बार में प्रेशर नहीं, वहाँ लीकेज है। पानी आया? आप दो बार खोलिए उसको, वहाँ से निकल जा रहा है ना आपको, सही से, सही से थोड़ा और हल्का टाइट कीजिए उसको, हल्का टाइट कीजिए, हल्का टाइट की, टाइट कीजिए, बस दो चूड़ी, बस चूड़ी और एक चूड़ी कर दीजिए। आप खोलिए, इसमें भरेगा तब ना आएगा, तब ना, अभी नहीं, अभी ये गर्म होगा तभी ठंडा मारेगा। गैस पूरी तरह चार्ज हुआ नहीं है तो देखिए, ठीक, देखिए इसमें हम लोग का गैस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए पूरी तरह गैस चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें बर्फ जमकर, बर्फ पूरी तरह हट जाएगा और आपको वहाँ का जो प्रेशर है, वो जो सुई PSI वो भी बढ़ जाएगा, तो हम लोग समझेंगे ये प्रॉपर गैस इसमें चार्ज हो गया। अभी बर्फ बन के ये बर्फ फटना चाहिए, ये कंडेंसर गर्म होना चाहिए, गर्म हो रहा है, हल्का हल्का गर्म होना शुरू हुआ, लेकिन अभी प्रॉपर गर्म होना चाहिए। अभी गैस और हम लोग को चाहिए, चालू कीजिए,
चालू कीजिए, वाह धीरे से है ना, खोलिए बस। अभी देखिए बर्फ हम लोग वहां जम गया, वहां तक चल गया, पहले यहां से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे देखिए वहां तक चल गया, फिर वहां से हम लोग इधर आएगा और बर्फ धीरे धीरे हट जाएगा पूरे, है ना। छोड़िए हाथ, छोड़िए तब ना पता चलेगा, हाँ खोलिए, बंद कर दे रहे हैं ना, चालू ही रख दे रहे हैं, हाँ ठीक है बंद रखिएगा। अभी देखिए ये गर्म होना शुरू हो गया, ये गर्म हवा आ रहा है ना, अभी और गर्म हवा आएगा, वहाँ रुकिए देखिए धीरे धीरे ठंडा होगा, आजा मैं सर, अब तुम आ जाना, थोड़ा थोड़ा होगा, अब खोलिए पाइप को नहीं छुए, टाइट कीजिए, इसको ऐसे टाइट बोला जाता है, ऐसे टाइट कर दो, ठीक है ऐसे लूज कर, आप काम इधर करें तो इधर देखिएगा, ठीक है घटा दीजिए, घटा दीजिए, अभी देखिए धीरे धीरे बर्फ हम लोग का पूरा हट गया, पानी आ गया, मतलब अभी अभी गैस का प्रोसेस हम लोग का हो गया, ये गर्म भी हो रहा है, ये देखिए गर्म भी हो रहा लगा और वहाँ आपको ठंडा होने लगेगा, ठीक है। यानी हम लोग जब इस तरह का पूरा प्रोसेस हो जाए, यानी यहाँ गर्म हो जाए कंडेंसर और वहाँ ठंडा होने लगेगा ऑपरेटर, यानी इंडोर यूनिट का, तो हम लोग समझेंगे गैस चार्ज करीब करीब हो गया है, समझे। कितना आएगा पी एस आई? 40 PSI है, हाँ और थोड़ा हम लोग को बढ़ा देना है तो प्रॉपर आपको काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग का कहाँ से कहाँ तक पी एस आई रखना है सर, 60 से 70 PSI तक का है, 50 तक रखना है, अभी थोड़ा कम भी PSI फास्ट में रखना है हमेशा, अगर ज्यादा नहीं बढ़ाना है, अगर कंडेंसर गर्म होने लगेगा तो उतने ही में स्टॉप कर देना, हाँ स्टॉप कर देना है, और हम लोग का कूलिंग भी होने लगा, कूलिंग होने लगा ना वहाँ, वहाँ कूलिंग हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, हम प्रोसेस हम लोग का कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको कि कैसे हम लोग गैस चार्ज करेंगे, आपको समझ में आया, आपको आया समझ में, आपको जी सर आपको समझ में आया, ये इसमें लोग कौन सा गैस चार्ज कर रहे हैं, ये कौन सा गैस है, ये R22 गैस है, यानी ये रेफ्रिजरेंट हम लोग को स्पीड एसी के लिए R22 गैस यूज करेंगे, जो हम लोग का गैस पहले से भरा हुआ रहेगा या वहाँ पे लिस्ट में रहेगा कि हम लोग का कौन सा गैस चार्ज करना है, उसी हिसाब से आपको गैस चार्ज करना होगा, अपने मन से कुछ नहीं करना है, है ना, अपने मन से कुछ भी गैस इसमें चार्ज नहीं कर देना, ऐसा नहीं कि फ्रिज का गैस इसी में चार्ज कर दे, जो गैस आपको है, जो आपको नंबर है जैसे R22 है तो R22 ही इसमें चार्ज करना है, समझ रहे हैं। फुल प्रैक्टिकल क्लास होता है एसी का गैस चार्ज, स्पीड एसी का, विंडो एसी का, फ्रिज का, यानी कंप्लीट स्टूडेंट को सिखाया जाता है, और अपने आंसू हाथ से करता होगा प्रैक्टिकल कैसे करना है, और यदि आप हम लोग के फुल प्रैक्टिकल का क्लास यहाँ पे कराया जाता है, यदि आप यहाँ से सीख के जाते हैं तो आप अपने से कॉन्फिडेंस होकर जाइएगा और आराम से काम को कर लीजिएगा, कल आप लोग वहाँ फ्रिज रेडी करने जाइएगा, तो यहाँ का प्रोसेस आप समझ गए कि कैसे करना है, हम लोग का गैस चार्ज कैसे करना है, बाकी सारा काम जो वैक्यूम कैसे करना है, यानी हम लोग यहाँ का स्टूडेंट पूरी तरह कंप्लीट होके यहाँ से जाता है और काम साइड में करता है, बहुत सारा यह स्टूडेंट है जो कि अभी फ्रिज का काम सीख के अपना दुकान खोला है और वहाँ जाकर आराम से काम कर रहा, समझ रहे हैं, और कम्प्लीटली रूप से काम किया है, तो यहाँ पे फुल प्रैक्टिकल होता है। आगे चल के हम लोग जो भी स्टूडेंट आप लोग एसी और फ्रिज का क्लास करते हैं यहाँ पे उसको पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, जैसे आप लोगों का देखिए यहाँ पे गैस भरा हुआ था, हम लोग गैस को निकाल दिए, आप लोगों को फिर वैक्यूम का सारा प्रोसेस बताएं, फिर नए सिरे से गैस इसमें डालें, समझे, और वैसा ही कूलिंग हम लोग को आपको करके दिखाएं, इस तरह से आपको अपने कस्टमर को करके दिखाना होगा, तभी ना आपका कस्टमर संतुष्ट होगा उस काम में जी सर। तो यदि ऐसा करके दीजिएगा तो आपका मार्केट बराबर चलेगा, दुकान चलेगा, आप जहाँ भी जाइएगा, कहीं आप कोई हमारे प्रोजेक्ट में आए तो प्रोजेक्ट में आपको काम अच्छा करके देना है, या अपना पर्सनल दुकान खोलिएगा तो वहाँ भी आपको काम करना है कस्टमर का, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फुली प्रैक्टिकल एसी का क्लास किया जाता है।